नमस्कार, हेल्थ टिप्स हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि हम आपके सामने कुछ ऐसे टिप्स, ऐसी जानकारी लेकर आते हैं जो आपके लिए जानना बेहद इंपॉर्टेंट और आपके लिए लाभदायक साबित होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास। आज हम पित्त पापड़ा के फायदों के बारे में बात करेंगे। पित्त पापड़ा के पौधे छोटे छोटे गेहूं के खेतों में पैदा होते हैं। पित्त पापड़ा दो प्रकार के होते हैं, एक लाल फूल वाले और एक पीले फूल वाले। पित्त पापड़ा के पौधे बहुत छोटे आकार के होते हैं और लाल फूल वाले पित्त पापड़ा को सबसे अच्छा माना जाता है। इसकी तासीर ठंडी होती है। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद पौधा है। यह वात कारक, पित्त, रक्त विकार और बुखार आदि रोगों के उपचार में काफी फायदेमंद होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पित्त पापड़ा के फायदों के बारे में बात करेंगे। चलिए जानते हैं पित्त पापड़ा किस प्रकार से हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। यह इन्फ्लुएंजा बुखार में काफी फायदेमंद होता है। इसके लिए पित्त पापड़ा, हंसराज और आंबी को मिलाकर काढ़ा बनाकर पीने से दूषित वायु से होने वाला बुखार ठीक हो जाता है। अगर भूख बहुत अधिक लगती हो तो पित्त पापड़ा के पंचांग यानी कि जड़, तना, पत्ता, फल और फूल का काढ़ा कच्ची 25 से 50 ml सुबह शाम सेवन करने से फायदा होता है। यह एड्स में भी काफी फायदेमंद होता है। इसके लिए पित्त पापड़ा के पंचांग यानी कि जड़, तना, पत्ता, फल, फूल का काढ़ा प्रतिदिन सुबह शाम 25 से 50 ml की मात्रा में सेवन करने से खून विकार दूर होता है। पीलिया में पित्त पापड़ा का काढ़ा बनाकर पीने से पीलिया बुखार ठीक हो जाता है। अगर पेट के अंदर सूजन और जलन हो तो पित्त पापड़ा के रस में दूध और चीनी मिलाकर सेवन करने से पाचन क्रिया में होने वाली जलन शांत हो जाती है। अगर पेट में कीड़े हो गए हों तो पित्त पापड़ा को पकाकर पीने से पेट के कीड़े नष्ट हो जाते हैं। ये खाद खुजली और स्किन प्रॉब्लम में काफी लाभदायक होता है। इसके लिए 50 से 100 ml पापड़ा के रस को सुबह शाम पीने से हर प्रकार के रक्त दोष दूर हो जाते हैं और इससे खाज, खुजली, फोड़े, फुंसी इत्यादि रोग भी दूर हो जाते हैं। इससे त्वचा के रंग में भी निखार आता है। फंगल इंफेक्शन होने पर पित्त पापड़ा के 50 से 100 ml रस में बराबर मात्रा में पानी मिलाकर पीने से पेचिस रोग में लाभ मिलता है। कुष्ठ रोग में 25 से 50 ml पित्त पापड़ा के पंचांग यानी कि जड़, तना, पत्ता, फल और फूल का काढ़ा सुबह शाम पीने से लाभ होता है। खून की कमी होने पर पित्त पापड़ा के पानी के पंचांग का काढ़ा पीने से काफी लाभ होता है। चर्म रोग होने पर 50 से 100 ml पित्त पापड़ा के रस को रोजाना 4 बार पीने से हर प्रकार के खूंट के रोग दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे पित्त पापड़ा से होने वाले कुछ फायदे। आज की वीडियो में बस इतना ही। लौटेंगे एक नए वीडियो एक नए टिप्स के साथ। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि हमें कुछ ऐसे ही और वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है।